So hi, let's solve the next problem. That is the problem number 5 of exercise 8.1 of class 10 NCERT mathematics book. Kolekhaichi sec theta is equal to 13/12, then find all other trigonometric functions. Tate sec theta diyechi kon diyechi given kon chitro given sec theta is equal to 13/12. आकु बने पहले कौन मु आगो कौन कर दोजी गोटे फिगर ड्रा कर दोजी तापरे आमे लिखे स्टार्ट करी आकु बिना फिगर भी बने पर भी मु किंतु जेहेतु ये 8.1 पे आमे सॉल्व करचे तापर म बनोजी आगु को ए बडे आओ करबिने sec थीटा दिया छि तते sec थीटा पता छि कोन हिजो h/b संगे समान हिजो ता माने तोर h एठ केते पाइ गेलो 13 b बेते पाइ गेलो 12 तु मते कह एबे bc केते होबो bc को लिख परुन ac ab स्क्वायर स्क्वायर रूट तु कहबी यस AC is equal to 13 square minus 12 square square root like 169 minus 144 raw root over is equal to 25 square root 35 5 then BC is equal to 5 this BC is equal to P this is equal to B this is equal to H but this is equal to our work first is trigonometric function like here by COG is equal to sine ये तो बता सी p by h p केते पाइ चुका 5 h पाइ चु 13 ये पाइ गेलु तापर के पाइ को cos cos से केते पाइ को b by h न हेले जस्ट को लिख फेर 1 by sec a भी लिख फेरबु sec थीटा भी लिख फेरबु म एठी a लिखु छी a जगह हमर थीटा sec थीटा ये तोर केते जो 12 by 13 लिख फेरबु तापर के आसे तोर tan थीटा तोर के आसे p by b p केते को 5 b तोर केते 12 तापर केस पे cot theta is equal to 1 by tan theta लिख परिबो न हेले आकु b by p भी लिख परिबो तते तो tan theta गेट करचु 5 by 12 ये तो केते जो 12 by 5 तो तने sec theta गिवन अछि देन अस जो तो cosec theta सी है जो कोन 1 by sin theta लिख परिबो न हेले आकु h by p भी लिख परिबो तते तने sin theta पता अछि ये कोन जो 13 by 5 बुझिला नै ठीक अछि तो आकु हमें सब गेट कर गेले कोन कोन गेट कर गेले ना साइन पाई गेले कॉस पाई गेले टैन पाई गेले कॉट पाई गेले सेक तो थिला एठी पाई गेले कोसेक पाई गेले सो दीज आर द आंसर्स सो थैंक यू वी विल मीट इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम